आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। वैद्यकीय महाविद्यालय और अस्पताल के 500 कोविड योद्धा कामगारों का 7 महीने का बकाया वेतन और 2 वर्ष पूर्व लागू हुआ न्यूनतम वेतन देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पिछले 56 दिनों से डेरा आंदोलन शुरू है। इस संदर्भ में रविवार को वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासन द्वारा एक नोटिस लगाकर आंदोलनकर्ता कामगारों को 24 घंटे के भीतर काम पर नियुक्त हो अन्यथा काम से निकाले जाने की चेतावनी दी गई थी। इससे आंदोलनकर्ता कामगारों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर निवृत्ति जिवने के हस्ताक्षर के लगाए गए नोटिस में दिए गए आदेश को सोमवार वापस ले लिया गया है। इधर शहर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सुधाकर अंबोरे ने जन विकास के अध्यक्ष पप्पू देशमुख को सोमवार को दोपहर 1 बजे चर्चा के लिए बुलाया था। इस संबंध में शासकीय अस्पताल के नोटिस के कारण कानून और सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होने की संभावना के चलते अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही करने संबंध में पुलिस विभाग ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है, जिसके चलते सोमवार को अस्पताल परिसर में दिनभर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगा रहा। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को सुरक्षा रक्षक, कक्ष सेवक, सफाई कामगार आदि के नामों के साथ एक सूची 3 अप्रैल की रात सरकारी अस्पताल के अपघात विभाग के समीप मेट ऑफिस के सामने लगाई गई थी। आंदोलनकर्ताओं को मिले नोटिस के बाद जन विकास सेना के अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने डॉक्टर भास्कर सोनारकर को शहर में घूमने नहीं देंगे ऐसी चेतावनी दी थी, जिससे सोमवार को अस्पताल के परिसर में दंगा दस्ते समेत पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त लगाया गया था। दबाव डालकर डॉक्टर जिवने की हस्ताक्षर लेने की जानकारी सामने आई है, जिससे अगले 24 घंटे में डॉक्टर सोनारकर को अधीक्षक पद की खुर्ची पर अवैध कब्जा छोड़ने के आदेश दें, नहीं तो अधीक्षक की खुर्ची पर ठिया आंदोलन करने की चेतावनी देने वाला नोटिस जन विकास के पप्पू देशमुख को अस्पताल के मेट ऑफिस के पास लगाया है। इस संबंध में अब अधिष्ठाता डॉक्टर हुमने क्या कार्यवाही करते हैं, इस और सभी का ध्यान लगा है। 7 महीने के बकाया वेतन के लिए 500 कोविड योद्धा अपने परिवार के साथ करीब 2 माह से यहाँ पर डेरा आंदोलन कर रहे, यहीं पे सो रहे, यहीं पे खा पी रहे। इसमें महिलाओं की संख्या, आदिवासी दलित मागास वर्गीय महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनको अभी तक उनका वेतन, जो उनका हक है, न्यूनतम वेतन और 7 महीने का बकाया वेतन दिया नहीं गया, लेकिन कल मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने उनको काम से निकालने का नोटिस लगाया है। अगर मेडिकल कॉलेज का प्रशासन वेतन देने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं कर सकता, 2-2 महीने का समय लगता है, तो फिर इनको निकालने के लिए 24 घंटे का समय मेडिकल कॉलेज कैसे दे सकता है। बकाया वेतन की वजह से 2 कामगारों की मृत्यु अभी तक हो गई है और 500 लोगों के परिवार पे भुखमरी की नौबत आई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हमारा इशारा है कि अगर इसी तरह से वो बर्ताव करते रहे तो इस कॉलेज के डीन और यहाँ के जो कुछ अधिकारी है इस तरह से काम करने वाले, इसमें एक भास्कर सोनारकर नाम का डॉक्टर है, इनको चंद्रपुर के रास्ते पे घूमने नहीं देंगे। ये जन विकास सेना का मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को और जिला प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार को भी इशारा है। ठीक, आज 2 महीने काळात हे डेरा आंदोलन चालू है। आज 56वा दिवस है। डॉक्टर भास्कर सोनारकर आज त्यांनी म्हणजे लिस्ट लावले की 24 तासाच्या आतमध्ये येऊन तुम्ही कामावर व्हा, नाहीतर काढून देणार। आज 56 दिवस झाले आम्ही इथे बसून आहो आपले मुलं बाळं घेऊन। तेच म्हणजे त्यांनीच असे 24 तासामध्ये पगार देऊ तुम्हाला असं येऊन मंडपाला भेट द्यावं सांगावा। जेवढ्या तातडीनं त्यांनी म्हणजे नोटीस बोर्ड लावलं की 24 तासात येऊन काम करा, तसंच 24 तासामध्ये हे सांगायचं की तुमचा पगार मी स्वतः करून देणार, तुम्हाला एकही तुम्हाला त्रास नाही होणार असं येऊन आमच्याशी भेटावणं सांगावं त्यांनी।